बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज अयान अली पानी वाला, एंड आज हमारे साथ हैं अब्दुल हादी फॉरेस्ट वाले। और आज हम इनके बारे में जानेंगे, ये रिहान स्कूल कैसे आए और इन्होंने यहाँ पर आके क्या चीज सीखी है, उनको कैसे पता चला ये, और ये हमारे को बताएंगे। आज का जो इंटरव्यू है वो है हमारा अब्दुल हादी फॉरेस्ट वाले के साथ। और हम इनसे बात करते हैं। अब्दुल हादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला जी, आप अपने इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं मोहम्मद अब्दुल हादी है। मैं रिहान स्कूल में 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ और मैं 12 साल का हूँ। मैं रिहान स्कूल कोरंगी कैंपस आता हूँ ताकि मैं फ्रीलांसिंग सीख सकूँ और ऑनलाइन अर्निंग कर सकूँ। सही। और आपके नाम के आगे जो वाला लगाया गया है, अब्दुल हादी फॉरेस्ट वाला, ये वाला आपके नाम के, आपका नाम के आगे, इससे आप जब रिहान स्कूल में आए, इससे पहले था या फिर या अभी लगाया गया रिहान स्कूल में आने के बाद? ये अभी लगाया गया है या और ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पानी वाला, गैस वाला, फॉरेस्ट वाला, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में मसले हैं ना गैस के, पानी के, ऐसी एक मसला फॉरेस्ट का भी है। तो यहाँ रिहान स्कूल में कुछ बच्चे हैं उनको ये नाम दिया गया है ताकि वो इन मसलों को हल कर सकें और ये रिहान स्कूल का नाम भी रोशन कर सकें। सही। और आप ये बताएं कि आपका जो पुराना वाला जो स्कूल था, उसका नाम क्या है जी? हिलक्रिस्ट स्कूल। अच्छा जी। और जो आपके पुराना वाला स्कूल है और रिहान स्कूल में आपको क्या फर्क नजर आता है? पुराने वाले स्कूल में और रिहान स्कूल में तो काफी ज्यादा फर्क है क्योंकि वहां पे सिर्फ वो ये बोलते थे ये कॉपी निकालो, काम करो, पेपर दो, यही होता था। और सही। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डर भी हैं, वीडियो बनाने के लिए सर भी दिए गए हैं और फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो किसी स्कूल में नहीं है और वो काफी स्कूलों में ये होता है लेकिन वो होता है मैट्रिक के बाद। यहाँ है मैट्रिक से पहले। ये मैट्रिक से पहले जो उन्होंने सिस्टम रखा है ना ये बहुत अच्छा। सही। और अब्दुल हादी, आप ये बताएं कि आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आया है, ये कॉन्फिडेंस आपको पहले से था या फिर ये भी अभी जो आप रियान स्कूल में आए, ये रियान स्कूल में आने के बाद आया आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस? जी यहाँ स्कूल में ऐसे मेरा तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं तो कैमरे से बहुत शर्माता था। जब मैं कैमरे के सामने आता था तो मेरे दिल एकदम भार आ जाता था कि बस मेरे से नहीं होगा ये, मैं भागने वाला था वहाँ से। लेकिन सराना और सर उबैदुर्रहमान दार से उन्होंने आके हमें ये कॉन्फिडेंस सिखाया, हमें हिम्मत दी और हम उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। अच्छा अब्दुल हादी, आप ये बताएं कि आपको पुराने स्कूल में और ये वाले स्कूल में आपको क्या चीज फर्क नजर आता है? और ये बताएं कि आपको वो वाले स्कूल में और ये वाले स्कूल के अंदर माहौल कैसा लगता है? रियान स्कूल का माहौल और आपके पुराने स्कूल का माहौल क्या चीज था? वहाँ का जो माहौल था ना वो काफी अच्छा था, साफ सुथराई थी, बाहर भी साफ सुथराई थी। लेकिन रिहान स्कूल है ना, रिहान स्कूल तो काफी अच्छा है लेकिन उसके बाहर जो है वो थोड़ी गंदगी है और ये अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि साफ करूँ। अच्छा। और आप ये बताएं कि आप रिहान स्कूल में अभी क्या सीख रहे हैं? मैं रिहान स्कूल में भी कैनवा फाइबर सीख रहा हूँ। अच्छा जी। और आप ये बताएं, आपने कैनवा के अंदर क्या क्या चीज सीख ली है? मैंने कैनवा के अंदर काफी सारी चीजें सीख ली हैं, पोस्टर्स हो गए, यूट्यूब थंबनेल है, बिजनेस कार्ड, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बना सकता हूँ। सही। और आपने फाइबर पे क्या चीज सीखी? मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाना सीख लिया, गिग बनाना सीख ली और काफी ज्यादा मेरी गिग पे इम्प्रेशन और क्लिक्स भी आ गए। बस ऑर्डर आने की देर है और अभी मैं तो वो सीख रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, वो अब सीख जाएंगे तो फिर अच्छा जी, रेडी हो जाएंगे। इंशाल्लाह सीखेंगे। और आप बताएं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक है। ब्लैक। और आप बताएं, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड बिरयानी है, कोरमा और पुलाव। मेरा और आप बताएं, आपका फेवरेट डिजर्ट कौन सा है? फेवरेट डिजर्ट है रबड़ी। रबड़ी। और आप ये बताएं कि आप ये बताएं कि आप आपकी जो रिहाइश है वो कराची की है या फिर हैदराबाद की है या फिर लाहौर की है, या बताएंगे आपके आपकी रिहाइश कहाँ की है? ये मेरी जो जहाँ मैं रहता हूँ वो कराची के अंदर ही है लेकिन स्कूल से वो काफी दूर है। अच्छा, रिहान स्कूल से दूर है। जी अच्छा जी। और आप ये बताएं कि
आप रिहान स्कूल आए कैसे? आपका एडमिशन यहाँ पर हुआ क्योंकि आपने फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, या फिर आपको किसी ने बताया कि ये रिहान स्कूल है, यहाँ पर ये चीज सिखाई जाती है, आप यहाँ पे जाके विजिट करें? यहाँ जब मैं एक दफा मेरे बाबा ने मुझे बताया कि रिहान अल्लाह वाले ऐसे ऐसे शख्स हैं या फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, तो मुझे पहली बारी में तो मुझे मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, चीजें सही। सिखाते भी हैं। अच्छा जी, और ये थे हमारे अब्दुल हादी फॉरेस्ट वाले, और इन्होंने जैसे कि आपको बताया कि ये कहाँ रहते हैं और क्या चीज़ इनको फेवरेट, कलर क्या चीज़ है, फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट डिजर्ट क्या है, और इन्होंने बताया कि इन्होंने केरल फाइबर में क्या सीखा। अब्दुल हादी, अल्लाह हाफिज, लाते अस्सलाम वालेकुम। हैं।